नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। देश भर में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, जो कि दो राष्ट्रीय बड़ी पार्टियां हैं, लगातार चुनाव में एक दूसरे को पटखनी देने के लिए जोर आजमाइश कर रही है। इस सूची में भाजपा ने जहां एक तरफ 195 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से पहली सूची जारी होने का अभी इंतजार बाकी है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज होने वाली है और इस सीईसी की मीटिंग में ये फैसला लिया जाएगा कि किन उम्मीदवारों को पहली सूची में नाम दे दिया जाए, जिसके आधार पर ज्यादा से ज्यादा पर्याप्त वक्त बचे, जिसके आधार पर वो चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आए। ऐसे में राजस्थान की बात करेंगे और राजस्थान के चूरू सीट से यहाँ पर राहुल कांसवा, जो कि वर्तमान सांसद हैं, उनकी टिकट काट दी गई है। राहुल कांसवा को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का रिश्तेदार बताया जाता है। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जगदीप धनखड़ को एक बड़ा झटका देने की कोशिश की है। एक तरफ पश्चिमी यूपी में जहां जयंत चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए खेमे में शामिल कर लिया है, तो दूसरी तरफ यहां जिस तरीके से राहुल कांसवा की टिकट काटी गई है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े करता है। इससे पहले आपको बता दें कि दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें आती हैं, जहां पर 4 वर्तमान सांसदों के टिकट काट दिए हैं, जिसमें से मीनाक्षी लेखी, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह और इसके साथ साथ उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद साहेब परवेश सिंह वर्मा और गौतम गंभीर का नाम शामिल है। यानी कि साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी नए चेहरों को मैदान में उतारना चाहती है। ऐसे में राहुल कांसवा के खिलाफ पिछले दिनों राजस्थान के चूरू में पोस्टर भी लगे थे। उन पोस्टर में साफ तौर पर लिखा गया था कि कांसवा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं। इसी आधार पर यह नजर आ रहा है कि राहुल कांसवा का टिकट काटा गया है। आपको बता दें दर्शकों कि राहुल कांसवा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के रिश्तेदार हैं और कहीं ना कहीं अब जगदीप धनखड़ को राहुल कांसवा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा झटका देना चाहती थी, जिसी के कारण उनकी टिकट काट दी गई है। दूसरी तरफ राहुल कांसवा ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आप कांग्रेस पार्टी के संपर्क में बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में राहुल कांसवा कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अब देखना होगा कि क्या वे कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।